कोर्ट में मेरी तारीख है, जो कवाल कांड हुआ था उसकी आज तारीख है। मुझे बुलाया गया है तो मैं कोर्ट में हाजिर हुई हूँ। अच्छा, आज वक्फ बोर्ड में फैसला भी आ रहा है, वो एक सदन में रखी जाएगी बात, तो क्या कहना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड में 1923 का कानून भी खत्म करने में बात कही जा रही है और वक्फ बोर्ड के ऊपर? देखिए, वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो मेरे देश की सेना को मिलना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनको वहाँ से ला करके वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बसा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर केवल और केवल देश को तोड़ने की बात करते, देश तोड़ने वालों के साथ खड़े होते हैं। बांग्लादेश से सीख ले लेनी चाहिए। हिंदुओं की बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, ये नेम प्लेट मुजफ्फरनगर के अंदर उतारी गई केवल इतनी सी बात थी कि अपने नाम की नेम प्लेट लगानी चाहिए, तब तो ये बड़ी छातियां पीट पीट करके विधवा विलाप कर रहे थे, भाईचारे वाला गैंग। अब हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, अब इनके मुंह में दही जम गई क्या, या इनको दर्द नहीं हो रहा? अब दर्द केवल होगा तो हम लोगों को होगा, इसीलिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म करके पूरी की पूरी ज़मीन हिंदुस्तान के सैनिकों को देनी चाहिए और वहाँ के हिंदुओं को देनी चाहिए बांग्लादेश के।